हेलो यूज़र्स, अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 3 के साथ मोहम्मद ज़ुबैर अहमद आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम इन पेज में फॉन्ट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और इन पेज में लिखाई कैसे कर सकते हैं, उसकी फ़ाइल को सेव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ओपन करते हैं आपके सामने, इन पेज ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात बताता चलूँ दोस्तों, आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी डेली वीडियो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये हमने 3 पार्ट बनाए थे इस ट्यूटोरियल के, ये लास्ट पार्ट है। दोस्तों, इसमें मैं आपको कन्फर्म समझा दूँगा कि आप टाइप कैसे कर सकते हैं, उसकी सेटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं और उस फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं। जी दोस्तों, शुरू करते हैं। नई फाइल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एन के साथ आपने एक नई फाइल ओपन करनी है। फिर आपने F10 दबाना है ताकि हमारा डिस्प्ले का साइज़ बढ़ जाए। और फिर F12 दबाने के बाद आपने यहां पर 18 लिख देना है। दोस्तों, इंटर कर देना है। अब मैं यहां पर लिखता हूं जी दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ लफ्ज़ टाइप किए हैं। जी दोस्तों, अब ऑप्शन आ जाता है कि इन लफ्ज़ों की सेटिंग कैसे करनी है, इनको सेव कैसे करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, ये ऑप्शन आता है कि हम इनके लिए फॉन्ट कैसे सिलेक्ट करें, कौन सा फॉन्ट सबसे बेस्ट रहेगा जो हम इनके लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने इस पर सेलेक्ट कर लेना है, जितने हिस्से का जो फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं आपने उस पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ आप देख रहे हैं, इधर नूरी नस्तालीक फॉन्ट पहले से यूज़ हो रहा है। हम अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यूज़ करते जाएंगे, जो हमें फॉन्ट अच्छा लगेगा मैं उसे यूज़ करूँगा। जी दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, जिस फॉन्ट पर आप चाहते हैं कि हम ये फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वही फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप सारे बारी बारी फॉन्ट देख सकते हैं। दोस्तों, आप मज़ीद मुझसे बेहतर जानते हैं। जी दोस्तों, ये नीचे वाले के हिस्से को भी मैं फॉन्ट चेंज करके दिखा देता हूं आपको। जी दोस्तों, आपने देखा कि मैंने फॉन्ट की कैसे सेटिंग की। तो दोस्तों, अब ऑप्शन आ जाता है कि हमने अपनी लिखाई को छोटा बड़ा कैसे करना है। दोस्तों, कंट्रोल दबा लेना है और 10 F10 आपने दबाना है। दोस्तों, कंट्रोल को दबाने के बाद F10 दबाना है। अगर जो आप अपनी लिखाई का साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो F10 दबाना है। अगर आप अपनी लिखाई का साइज़ छोटा करना चाहते हो तो F9 दबाना है दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप अपनी लिखाई का साइज़ विड्थ बढ़ाना चाहते हो, लंबाई चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो, तो F5 से आप बढ़ा सकते हो लंबाई और F6 से आप लंबाई कम कर सकते हो। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों, लास्ट बात ये है कि इस फाइल को हम सेव कैसे करेंगे। कई दोस्तों से सेव नहीं होती तो वो परेशानी के आलम में नीचे कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ आपने फ़ाइल पर क्लिक करना है जो आपने सेलेक्ट किया है। अगर तो आप कोरल ड्रा में इस फाइल को ले कर जाना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ से इस तीर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी करके वहां पर पेस्ट कर सकते हैं या फिर कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर तो आप इस फाइल को अपने पास महफूज करना चाहते हैं तो वो ये ऑप्शन है कि आप उसको सेव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको कोरल ड्रा के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, फाइल पर क्लिक करना है, सेव अस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आप ये चाहते हो कि आप इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हो, यहाँ से दोस्तों आप अगर तो इसको कोरल अडोब फोटोशॉप में ओपन करना चाहते हो तो ये नीचे वाले पर क्लिक कर दें। अगर आप वैसे इसे सेव करना चाहते हो कि जब दिल किया तो आप इन पेज में ओपन कर लें तो आप जस्ट इन पेज पर ही क्लिक कर दें और यहाँ अपना नाम देने के बाद इसे सेव कर दें।
जी दोस्तों मैंने इसे सेव कर दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं ये इन पेज की फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। मज़ीद अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।